चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? लाइफ कैसी चल रही है जनाब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है बीकानेर शहर। बीकानेर शहर में ऐसे कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। बीकानेर में मौजूद लालगढ़ पैलेस एक ऐसी ही इमारत है जिसे देखने और घूमने के लिए हमेशा से सैलानी जाते रहे। कहा जाता है कि इस खूबसूरत महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी के दौरान करवाया था। महल के अंदर भव्य डिजाइन और सजावट आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आज हम आपको इस पैलेस से जुड़े कुछ दिलचस्प कहानियों और तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको बीकानेर के बारे में भी एक से बढ़कर एक रोमांचक जानकारी देंगे। दोस्तों आपसे है बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये शहर भारत के राजस्थान राज्य में आता है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ की कुल आबादी है 6,44,000 के आसपास। दोस्तों ये शहर कुल मिलाकर 155 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि यहाँ पर हिंदी ही लोकल लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती है। दोस्तों कहते हैं कि बीकानेर के लोग बड़े ही हंसमुख होते हैं। जी हाँ, इनका किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये बस अपनी मौज में मस्त रहते हैं। ये खूब मेहनती होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं, तभी तो इस शहर के लोगों ने एक से बढ़कर एक काम किया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग किसी के भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ का खाना मानो आपके मुंह में पानी आ जाए। जी हाँ, ये खूब गर्मा गर्म घी में बना हुआ खाना खाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग चाय के शौकीन भी खूब होते हैं। यहाँ के लोग आपको चाय पर चर्चा करते हुए हर जगह नजर आ जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ के युवाओं को राजनीति में बहुत दिलचस्पी होती है और वो देश के बारे में गहराई से सोचते हैं। दोस्तों अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो यहाँ का वर्ल्ड पॉपुलर लाल मीट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। कहते हैं कि इसे खाने में बहुत ही मजा आता है, और अगर आप बीकानेर गए हैं और नॉनवेज खाते हैं तो आपको यकीनन यहाँ की लाल मीट तो एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ की कचौड़ी भी मजा दे दे स्वाद के मामले में। क्या बात है, लॉकडाउन नहीं होता ना तो मैं तो अभी चल देता। खैर बाद में जाएंगे। यहाँ के लालगढ़ पैलेस का इतिहास। दोस्तों कहा जाता है कि लालगढ़ पैलेस का निर्माण 1902 से लेकर 1926 के बीच में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस पैलेस के बारे में बोला जाता है कि 20वीं शताब्दी में बनने वाला लालगढ़ एक ऐसा पैलेस है जो आज भी वैसे ही है। इस महल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जूनागढ़ किले के तर्ज पर लालगढ़ महल को बनवाया गया था। कई इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में इस महल को बनवाया था। लक्ष्मी निवास। इस महल के अंदर भी एक लक्ष्मी निवास भवन है। कहा जाता है कि लक्ष्मी निवास भवन में शादियों, रिसेप्शन, सम्मेलनों और फिल्मों की शूटिंग आज भी होती है। इस भवन में खाने पीने से लेकर कई ग्राउंड भी हैं, जहां टेनिस, बैडमिंटन या बिलियर्ड्स भी खेल सकते हैं। महल में पुस्तकालय। इस महल में एक भव्य पुस्तकालय भी है। कहा जाता है कि इस महल में आज भी सोने, चांदी और तांबे के सामानों पर संस्कृत भाषा में कुछ लिखे गए हैं, जिसे सैलानी देख सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में हड़प्पा सभ्यता और गुप्त काल के कई कलाकृतियों को रखा गया है, जिसे सैलानी देख सकते हैं। दोस्तों जोधपुर से 245 किलोमीटर, अजमेर से 262 किलोमीटर, जैसलमेर से 329 किलोमीटर, जयपुर से 333 किलोमीटर, दिल्ली से 435 किलोमीटर और उदयपुर से करीब 502 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 1486 में राव बिक ने इस शहर की स्थापना की थी, और अब उनके पिता राव जोधा ने जोधपुर के शानदार संस्थापक को अपना राज्य स्थापित करने की चुनौती दी थी। राव बिका ने दूर यात्रा की और जब जंगल देश नाम के जंगल पर आए तो उन्होंने उस राज्य को स्थापित कर दिया। जूनागढ़ का किला। साल 1593 में राजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले की स्थापना की थी। इसे आप जूनागढ़ जिले में देख सकते हैं। ये एक अद्भुत संरचना है जिसमें आप मुगल, गुजराती और राजपूत शैलियों को एक साथ देख पाएंगे। अलग अलग शैलियों से बने इस किले में अद्भुत खूबसूरती है, जिसे लोग देखने आते हैं। किले के अंदर आप अनूप महल, चंद्रा महल, हवा महल, डूंगर महल और दीवाने खास और गंगा महल देख सकते हैं। लक्ष्मीनाथ टेम्पल। ऐतिहासिक स्थलों और शोध केंद्रों के अलावा आपको यहाँ पर श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर जैसा धार्मिक स्थल भी देखने को मिलेगा। ये मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, और इसका निर्माण साल 1526 में बीकानेर के महाराजा लुंकारण ने किया था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बीकानेर के प्रमुख देवी देवता माने जाते हैं, और इसका निर्माण सफेद संगमरमर और लाल सैंडस्टोन में किया गया है। और यहाँ पर आकर आप आत्मिक और मानसिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गजनेर पैलेस। महाराजा गंगा सिंह ने गजनेर पैलेस का निर्माण बीकानेर में करवाया था। प्राचीन काल में गजनेर पैलेस का उपयोग शिकार और अवकाश बिताने के लिए एक लॉज के रूप में किया जाता था, और गजनेर में बनी मूर्तियां, स्क्रीन, झरोके और लाल बलुआ पत्थर से बनी शिल्प शोभायान हैं। यहां पर एक घना जंगल भी है जो पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। इस जंगल में आपको ब्लू बुल, चिंकारा, हिरण, क्लाउड एंटेलोप जैसे जानवर मिल सकते हैं।
भंडासर जैन मंदिर। बीकानेर में दो प्रसिद्ध जैन मंदिरों में भंडासन जैन मंदिर है, जहां घूमने के लिए लोग आते हैं। भंडासर जैन मंदिर पीले पत्थरों से बना है और इसके आंतरिक भाग के स्तंभों और दीवारों पर बने हुए चित्र भी शोभायान होते हैं। दीवारों पर करीब 24 शिक्षकों को चित्रित किया गया है और इस मंदिर की 3 मंजिला इमारत है, जिसमें पहली पर देवताओं की संतानों के लघु चित्र हैं। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में भंडसा उसवाल नाम के एक व्यापारी ने बनवाया था और बाद में इसे 5वें जैन तीर्थंकर सुमित नाथ को समर्पित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे बीकानेर शहर से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।